सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस 8 प्रो के बारे में। इसकी कुछ लीक्स निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ में इसके कुछ रैंडम्स भी निकल के आ चुके हैं। सो आज इसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, कुछ इसकी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ चुकी हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सो वीडियो बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन प्लस 8 प्रो के डिस्प्ले से कि डिस्प्ले पर आपको कैसे देखने को मिलने वाली है। जो डिस्प्ले पर आपको देखने को मिल जाएगी वो 6.65 इंच की एक पंच होल वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज में कि इसके रेंडर्स जो निकल के आए हैं उस पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इस बार आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली, इस बार आपको पंच होल डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाली है। और जो ये डिस्प्ले होने वाली है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और साथ में ये 90 हर्ट्ज की एक डिस्प्ले होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी कमाल की बात है कि जो वन प्लस है उसने कंफर्म कर दिया कि जितने से भी हम फोन लॉन्च करेंगे उनमें हम 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले ही देंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंच होल नए लुक के साथ में और आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जो डिस्प्ले इस पर आपको देखने को मिल जाएगी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की डिस्प्ले होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक डिजाइन की। तो बैक डिजाइन जो इस पर आपको देखने को मिलने वाली है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाली है जैसे कि आपने देखा था वन प्लस की 7 सीरीज में, उसी तरह की कुछ आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगी। आपको सेंटर में 20 सेंटर में आपको कैमराज देखने को मिल जाएंगे जो कि क्वाड कैमरा सेटअप इस पर आपको देखने को मिलने वाला है जो कि ट्रिपल कैमरा तो सेटअप देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको जो बगल में आप देख सकते हैं साइड पर आपको इधर पर आपको एक छोटा सा लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि वो लेंस होने वाला है वो किस काम के लिए आने वाला है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और साथ में डुअल फ्लैश के साथ में आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी, वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाएगा और ये ग्लास की बॉडी होने वाली है। सो गाइस जो डिस्प्ले और इसकी डिजाइन होने वाली वो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है नए लुक के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमराज की। तो कैमरा जो इस पर आपको देखने को मिलने वाले हैं वो बताया जा रहा है कि इस पर आपको 4 कैमराज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको रियल साइड पर आपको जो 20 सेंटर में होंगे वो ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा और उसी के साइड में आपको एक ऑल लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि एक TOF लेंस होने वाला है जिससे आप जिसकी मदद से 3D फोटोग्राफी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बट अभी कंफर्म नहीं है कि जो आपको जो 20 सेंटर में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा वो आपको कितने मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, मतलब जो भी इसके कैमराज में वो अभी इसके मेगापिक्सल की कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बट अभी जो बताया गया है कि इस पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ में पंच होल के अंदर एक सेल्फी कैमराज भी देखने को मिल जाएगा। डुअल फ्लैश के साथ में ये फोन आने वाला है। वैसे हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की कि इस पर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जो इस पर प्रोसेसर बताया जा रहा है कि इस पर आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon का 865 वाला चिपसेट जो कि एक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब ये लॉन्च होगा इसी फोन के साथ में हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए जो कि एक 5G प्रोसेसर होने वाला है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको चिपसेट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सो चिपसेट है अभी फिलहाल में 855 प्लस वाला, बट ये जो 865 वाला ये लॉन्च होगा चिपसेट ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और ये 5G का सपोर्ट करेगा आराम से। तो ये फोन होने वाला है ये आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये फोन जो होने वाला है ये 5G के साथ में फोन लॉन्च होने वाला है, ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो जब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी जो इसकी बताई अभी नहीं गई है कन्फर्म कि इस पर आपको कितने एमएच की बैटरी देखने को मिलने वाली है, बट आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसकी जो बैटरी होगी वो 4000 mAh से कम नहीं होने वाली। और जो इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है वो बताई जा रही है कि इस पर आपको वार्प चार्जर का 30T वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही में आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये चार्जर भी देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि जो वन प्लस की चार्जिंग टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलती है जो कि इस बार भी आपको फास्ट देखने को मिलने वाली है। साथ में इस पर आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और साथ में हो सकता है इस बार बताया जा रहा है कि इस पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी तक आप देखते आए हैं कि इस पर आपको वन प्लस के किसी भी डिवाइस में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता था, बट इस बार आपको बताया जा रहा है कि इस बार आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है। जितनी कुछ इस फोन की लीक्स निकल के आई थी जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको सभी क्लियर कर दी हैं और साथ ही में जो लीक्स निकल के आई है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन वेबसाइट से निकल के आई है। जैसे कि आपने देखा था कि आईफोन 11 जो आने वाले थे वही लीक्स इस जो वेबसाइट है इसी ने दी थी और ये कन्फर्म हुई थी, तो वही वेबसाइट ने इसकी भी लीक्स निकाली है। तो ये भी ऑलमोस्ट कन्फर्म
में आपको समझ सकते हैं। और भी कुछ इस फोन के बारे में निकल के आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।